अगली खबर है भर्ती सत्याग्रह से जुड़ी हुई। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों को पूरा करने का वादा कर नेता सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन मुद्दों पर नेता सत्तासीन होते हैं उन्हीं मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बेरोजगार रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आम जनता सड़क, पानी, बिजली की मांग करे तो उसके ऊपर झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं और सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही वादा खिलाफी और बेरोजगारी के चलते भर्ती सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसके लिए 200 किलोमीटर दूर से पदयात्रा कर बेरोजगार भोपाल पहुंच रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए इन्हें रोजगार देने की बात तो दूर भोपाल में घुसने तक नहीं दिया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से इंदौर से शुरू की गई यह पद यात्रा भोपाल में समाप्त होने वाली थी, जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित सैकड़ों बेरोजगारों को हिरासत में लिया गया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जनसेवा अभियान के नाम पर युवाओं को शहर में घुसने तक नहीं दिया और पुलिस गिरफ्तार करके उनकी सेवा कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको सत्याग्रह करने वालों को किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों को किस तरह से कुचला जा रहा है। प्रशासन फिर से बाहर हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फिर से ले जाया जा रहा है। यहाँ पास प्रशासन ने फिर से गिरफ्तारी यहाँ पर चालू कर रखी है। तिरंगा हाथ में है, आप देख सकते हैं टोटल तरीके से लकड़ी हाथ में है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर कई लोगों को लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से।